नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसको अर्ली डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप इसको सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी खुद ही घर पे कैसे पता लगा सकते हैं कि ये डाउटफुल कैंसर है या नहीं है, उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी जमाने में कैंसर का नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। कैंसर का नाम सुनते ही आपको बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी या टेंशन हो जाती थी। बहुत ही कम केसेस देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो खान पान है, आजकल की जो रिजीम है, उसकी वजह से कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत ही आम हो गया है। आपको बहुत ही ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं आसपास में, अपने शहर में, अपने गांव में। आपको इस प्रकार से केसेस बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं कि फला आदमी को कैंसर हो गया, फला लेडी को कैंसर हो गया, फला पेशेंट को ये इस टाइप की कंप्लेंट्स हो गई है। इस प्रकार के केसेस बहुत ही कॉमन हो गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, या किसी दूसरे प्रकार का लंप है, या फिर आप सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी खुद ही घर पे कैसे पता लगा सकते हैं कि ये डाउटफुल कैंसर है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। टिश्यू ग्रोथ या ट्यूमर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन वाला जो टाइप है, बिनाइन वाला नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है या नॉन कैंसरस जो ओवरग्रोथ होती है, इस प्रकार की ग्रोथ लिमिटेड एरिया में रहती है, एक एनकैप्सुलेटेड एरिया में रहती है, ये इररेगुलरली फैलती नहीं है। और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है मैलिग्नेंट, जो कि कैंसरस ग्रोथ होती है। इसको कैंसर भी बोला जाता है और मैलिग्नेंसी भी बोला जाता है। तो ऐसी ग्रोथ के बारे में असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट में गांठ जैसा महसूस हो रहा है, पेशेंट के साइज में, ब्रेस्ट के साइज में फर्क हो रहा है या शेप बिगड़ रहा है, तो यह कैंसरस ग्रोथ हो सकती है। निप्पल का जो एरिया है उसके चारों तरफ आपको रैसेस देखने को मिल सकते हैं, निप्पल में से किसी प्रकार का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, चाहे वो मिल्क हो, मिल्क जैसा वाइटिस डिस्चार्ज हो, पस डिस्चार्ज हो, या ब्लड के साथ में मिल्क आ रहा हो, इस प्रकार का अगर डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो ये कैंसर हो सकता है। आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, आपको जाके नजदीकी चिकित्सक को एक बार दिखाना चाहिए। आर्मपिट्स में सूजन, यानी कि विशेषकर अगर बगल वाले एरिया में, आर्मपिट्स में अगर आपको सूजन महसूस हो रही है, गांठ जैसा लंप महसूस हो रहा है, और ब्रेस्ट के अंदर भी आपको लंप महसूस हो रहा है, निप्पल आपके इन्वर्टेड हो गए हैं, यानी अंदर की तरफ धस गए हैं, दोनों धस गए हैं, या सिंगल एक ही साइड में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आर्मपिट में अगर स्वेलिंग ज्यादा दिख रही है, आप पैल्पेट करके देखते हैं, हाथ लगा कर देखते हैं, तो वहां पर भी आपको सूजन महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप मैलिग्नेंसी का डाउट कर सकते हैं, यानी ये जो ग्रोथ्स हैं, ये जो ओवरग्रोथ्स देखने को मिल रही हैं, ये कैंसरस हो सकती है, तो आपको जल्दी से जल्दी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बेनाइन और मैलिग्नेंट में फर्क कैसे कर सकते हैं, यानी नॉन कैंसरस में और कैंसरस में फर्क कैसे कर सकते हैं। तो जो नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जैसे कि फाइब्रोमा, लाइपोमा या इस प्रकार के जो टिश्यू ओवर ग्रोथ्स होते हैं ब्रेस्ट में, जो कि नॉन कैंसरस होते हैं, उनमें आप शेप और साइज में वेरिएशन नहीं देखेंगे, यानी कि आपके जो ओवरग्रोथ होती है, जो गांठ सी आपको महसूस होती है, वो एक लिमिटेड एरिया में होती है, वो राउंड शेप में होती है या एक एनकैप्सुलेटेड एरिया में होती है। उस गांठ को आप जब जो है पैल्पेट करके देखेंगे, यानी कि हाथ लगा कर देखेंगे, तो वो सॉफ्ट या सेमी सॉफ्ट आपको रबरी टाइप का जो है गांठ महसूस होगा। दबाने पर आपको उसमें दर्द महसूस हो सकता है, और विशेषकर ये जो गांठें होती है, जो बिनाइन टाइप की यानी कि नॉन कैंसरस होती है, ये मीडियल साइड में होती है, यानी कि शरीर के बीचों बीच अगर एक इमेजिनरी लाइन खींची जाए, तो शरीर के जो बीच वाला हिस्सा है उसकी तरफ की जो भी गांठें होती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिनाइन होती है, यानी कि नॉन कैंसरस होती है। निप्पल में से किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं होता है, और ये गांठें लिमिटेड एरिया में होती है, और हो सकता है ये एक तरफ हो सकता है ये दोनों ब्रेस्ट में प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी आपको लापरवाही नहीं करनी है और डॉक्टर को एक बार विजिट जरूर करना है। अब मैलिग्नेंट की अगर बात करें,
तो मेलिग्नेंसी के सिम्टम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें जो ग्रोथ होती है वो विशेषकर जो है इरेग्युलर शेप में होती है, राउंड या ओवल शेप, कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर सर्कुलर शेप में नहीं होके, और इरेग्युलर यानी कि उसकी कोई विशेष प्रकार की कोई ऐसी बनावट नहीं होती है, वो बिखरा हुआ सा होता है लेकिन हार्ड होता है और उसमें दर्द नहीं होता है शुरुआती स्टेजेस में। और जब आप उसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं होता, अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो हार्ड होता है, ऐसे लगता है जैसे नीचे के टिश्यू से वो चिपका हुआ हो। निप्पल से आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है, पस का डिस्चार्ज हो सकता है या मिल्क के साथ में आपको ब्लड आ सकता है या ब्लडी डिस्चार्ज, खाली ब्लड का ही डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। तो ऐसी जो सिम्टम्स है, ऐसे लक्षण जो है आपको कैंसरस टाइप के जो ग्रोथ होती है, कैंसरस टाइप के ट्यूमर में देखने को मिलते हैं। सेल्फ असेसमेंट की अगर बात करें तो आप खुद से कैसे पहचान सकते हैं, तो लेडीज को अपने डे टू डे लाइफ में कम 2-3 महीने में एक बार सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करके देखना चाहिए। आपको करना क्या है कि आपको दोनों हाथ जो है अपने वो कमर पे रखने हैं। मैं इसमें पिक्चर लगा रहा हूँ हर पोजीशन की, जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। कमर पे हाथ रख के और आपको ब्रेस्ट को मिरर में देखना है, उसमें किसी प्रकार की इरेग्युलरिटी देखने को मिले, साइज में कोई वेरिएशन देखने को मिले, यानी कि एक ब्रेस्ट छोटा हो या एक बड़ा हो, हैवीनेस हो, इस प्रकार के सिम्टम हो, या निप्पल में कोई वेरिएशन देखने को मिले, यानी निप्पल रिट्रैक्टेड हो यानी पीछे की तरफ धस गया हो, या निप्पल ज़्यादा ऊपर की तरफ हो, ज़्यादा नीचे की तरफ हो, अगर इस प्रकार का है सिम्टम देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो। दूसरे टाइप का जो असेसमेंट है वो है कि आपको दोनों हाथ को ऊपर उठाना है, सिर से ऊपर ले जाइए, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाने के बाद आपको मिरर में दोनों ब्रेस्ट को सेम टाइप से जैसे पहले असेसमेंट किया वैसे ही आपको उसको विजिबली देखना है, आपको देखकर फर्क देखना है कि किसी प्रकार का कोई फर्क तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई निप्पल में वेरिएशन तो नहीं है, इन सब चीज़ों को आपको नोटिस करना है। अगर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का फर्क देखने को मिल रहा है, तो नज़दीकी डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए। तीसरा जो असेसमेंट है वो शावर एरिया में आप इजीली कर सकते हैं, आप नहाते टाइम इस चीज को असेस कर सकते हैं। कि आपको करना क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, सिर से ऊपर ले जाएंगे, और राइट हैंड से आपको ओनली 3 फिंगर से पेल्पेट करना है, यानी उसको छूकर देखना है ब्रेस्ट को, और आम पेट को यानी बगल वाले एरिया को छूकर देखना है। विशेषकर फिंगर टिप से नहीं करेंगे, ये जो सॉफ्ट एरिया है इससे आप उसको प्रेस करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर किसी प्रकार की इरेग्युलरिटी है, तो आपको उस पर्टिकुलर साइड में उस प्रकार की ग्रोथ का असेसमेंट हो जाएगा। और वैसा ही आपको दूसरे हाथ को उठाकर सेम उसी मैनर में इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, जिससे आपको दूसरे वाले ब्रेस्ट में भी इस प्रकार का असेसमेंट इजीली हो जाएगा। ये तो था घर पे असेसमेंट करने का तरीका, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, किसी प्रकार की देरी ना करें, क्योंकि अर्ली असेसमेंट, अर्ली डायग्नोसिस आपको ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से देने में सक्षम रहेगा। आपको अगर जल्दी से चीज़ें डायग्नोस हो जाती है तो आपका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट हो पाएगा। इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट करने में काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से मदद मिलेगी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेसिक से कुछ टेस्ट डॉक्टर आपको परफॉर्म करवाने के लिए बोलते हैं। वो टेस्ट विशेषकर सबसे पहला जो टेस्ट करवाया जाता है वो होता है USG यानी अल्ट्रासोनोग्राम। अल्ट्रासोनोग्राम के अलावा अगर एक कन्फर्मेटरी टेस्ट बोले तो वो होता है मेमोग्राम, जो कि अल्ट्रासोनोग्राम से मिलता जुलता होता है। ये ब्रेस्ट का आपको एक प्रकार से असेसमेंट टिश्यू का देता है। और एक जो फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो होता है FNAC यानी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ये आपके टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू के प्रकार को निकाल के बताता है। आपको नीडल से इसको एस्पायरेट करके और टिश्यूज को वहाँ से गांठ में से निकाले जाते हैं और ये असेसमेंट किया जाता है कि ये जो ग्रोथ है ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है यानी कैंसरस है या नहीं है। इस प्रकार का असेसमेंट जो है टिश्यू निकालकर FNAC जांच से किया जाता है। इन्फॉर्मेशन ब्रेस्ट को एग्जामिन करने की, सेल्फ असेसमेंट करने की कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे, किसी प्रकार का कोई संशय बना हुआ है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आपको नज़दीकी डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।
अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।